हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिमर ट्यूमन रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने सब कुछ पहले लिख रखा है, लेकिन मैं आपको पूरे एक एक फैक्टर बताती हूँ कि कौन से फैक्टर कैसे काम करते हैं इस रिएक्शन को फेवर करने के लिए। ये रिएक्शन देखिए, बेसिकली फिनॉल ग्रुप है। फिनॉल ग्रुप से यहाँ पे CHO, यहाँ पे सल्सिलाल्डिहाइड बन रहा है। इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑर्थो और पैरा। तो इसमें आपको देखना है, जैसे CHCl3NaOH है, हाँ, इसमें मैंने H+ और हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। आपको देखना है कि कौन कौन से रिएक्शन, देखिए कैसे ये काम कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर। यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और ये माइनर। मेजर प्रोडक्ट बनने का एक जो फेवरेबल कंडीशन है वो देखिए क्या है। यहाँ पर इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये जो एक फैक्टर है इसको स्टेबल बना रहा है, ठीक है। एंड देन अब इसके मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं, जैसे CHCl3, ठीक है। CHCl3 में KOH है, KOH है या कोई बेस है, NaOH है, जो भी है। तो इसने क्या किया, आप यहाँ पे NaOH भी ले सकते हैं, या बेसिकली मैंने यहाँ मैकेनिज्म में KOH लिया, तो मैं इसको के ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे हर जगह करना पड़ेगा ना, इसके लिए मैं इसी को कर। बेसिक कंडीशन है। बेस ने क्या किया, ये Cl, तीन Cl3 है ना, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और ये जो एच के इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, CH इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी तरफ पुल करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो जो H+ है ये देना आसान हो जाएगा, और ये जो OH- है, ये जो बेस है इसका OH- H+ को ले लेगा, ठीक। H+ लेने के बाद यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड फिर Cl निकलेगा। Cl निकलने के बाद अभी आप देखो, ये बन गया कार्बिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि रिमन ट्यूमन रिएक्शन किस इंटरमीडिएट के थ्रू होके जाती है। तो आपको याद रखना है किसके, कार्बिन के थ्रू होके जाती है। अब देखिए, यहाँ पे फिनॉल है, यहाँ पे बेस हो गया KOH। इसने क्या किया, इसका फिर से वही, ये क्या OH क्या है, H क्या है, ये एसिडिक प्रोटॉन है। एसिडिक प्रोटॉन ये OH- अपना इसको H को ले लेगा। आप चाहें तो मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ, इसने इसको ले लिया, जो OH के बिंदु बन गए, माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। माइनस चार्ज आने के बाद आप देखिए O-, ये आपको एक बात याद रखनी है इसमें, कि जो यहाँ पे जो कार्बिन इंटरमीडिएट है ना, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने का की वजह से जो ये पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, जैसे जो एरोमेटिक रिंग का पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस हो रही है ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसने इस बॉन्ड को दिया, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ ये हो गया आने की वजह से, यहाँ पे माइनस चार्ज, फिर एज इट यहाँ पे प्रोटॉन निकला, यहाँ पे ये, फिर माइनस चार्ज वापस से आ गया एंड देन फिर देखिए OH-, फिर जो ये फिर क्या है, ये माइनस हो गया Cl-। अब जो OH है ना पहले का, OH- जो यहाँ पे बेस वाला है, इसने इस पर अटैक किया, और Cl, यहाँ का जो Cl है OH-, आपको बताने के लिए मैं करूँ, ठीक है, अटैक किया, ये निकल गया एंड देन फिर OH आ गया यहाँ पे, OH आने के बाद फिर देखिए Cl निकल गया, फिर ये जो H है इसने वापस, ये O-, इसने इसके H को ले लिया, इसका H का एब्स्ट्रैक्शन कर लिया, और उसके बाद इसका H का एब्स्ट्रैक्शन कर लिया, उसके बाद एच का एब्स्ट्रैक्शन कर लिया, और एच के एब्स्ट्रैक्शन के बाद एच का एब्स्ट्रैक्शन हो गया, और ये
OH का जो डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट हुआ, Cl लीव हो गया, और देखिए ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। एज इट इज़ पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा बिल्कुल इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। और एक इम्पॉर्टेंट है, ये तो हो गया मान लीजिए 12th के लिए, BSc के लिए, इसके लिए। एक CSIR में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि और ये बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर आपको इसकी डिटेलिंग जाननी है कि बेंजीन के साथ क्यों नहीं रिएक्शन करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी डिटेल में, आप मुझे कमेंट में बताइए। और एक ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि CHCl3NaOH के साथ जो होता है रिएक्शन, ये भी एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो इसमें ये प्रोडक्ट मेजर ना बन के ये प्रोडक्ट मेजर बनता है। अगर आपको इसकी मैकेनिज़म चाहिए तो आई विल प्रोवाइड दैट, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना होगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।